साथियों, इस वीडियो में सेटबैक के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेटबैक दिया गया है, बैक साइड में, साइडों में सेटबैक नहीं दिया गया है। क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेटबैक दिया है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि मॉइस्चर जो है, जो आपकी रिटेनिंग वॉल से हमने वीप होल वहाँ पर बनाए होते हैं, वहाँ से जो पानी आता है, जो मॉइस्चर आता है, वो आपकी दीवारों के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, तो आपके घर में सीलन नहीं आएगी। लेकिन साइडों में सेटबैक नहीं है, तो वहाँ जो मॉइस्चर सोइल में से रिटेनिंग वॉल से बाहर निकलेगा, वो जो है वो आपकी दीवारों के कांटेक्ट में आएगा, तो उससे पूरे दीवारों में जो है ब्रिक्स लगी होंगी, पूरे दीवारों में जो है वो सीलन का रूप ले लेगा, जिससे आपका महंगा इंटीरियर, आपका घर ख़राब हो सकता है, आपका पेंट ख़राब हो सकता है। इसके बाद जो है वो सेटबैक देने का फ़ायदा क्या होता है, देखिए मान लीजिए घर में कोई किसी भी तरह से आग लग जाती है, तो आग लगने के लिए क्या होता है, एक तो आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती है और पाइप से उस है वो आग लगी होगी जिन जिन जगह, वहाँ पर पाइप से पानी को स्प्रे करती हैं, तो फ्रंट से तो जा नहीं सकते, तो साइडों में जो आग लगी होगी वहाँ पर अगर सेटबैक होगा तो आसानी से उस आग को बुझाया जा सकता है। लेकिन अगर सेटबैक नहीं होगा आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और साथ में वेंटिलेशन की बात जाए तो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए भी जो है वो सेटबैक प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके बिल्डिंग मजबूत बन सके और पीछे जो भी काम करना है आपने घर के बैक साइड, सैनिटरी की फिटिंग है, पाइप्स की फिटिंग है, वायरिंग का काम है, प्लास्टर का काम है, वो भी कर सकते हैं। और क्रॉस वेंटिलेशन होगी तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों, नेचुरल लाइट का भी फ़ायदा रहता है कि अंदर तक नेचुरल लाइट भी पहुंचती है। तो अगर आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घर बनाते समय सेटबैक जो है ज़रूर प्रोवाइड करें। धन्यवाद।